सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 आज रिलीज हो गई है। जैसे फिल्म के ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया था, ठीक वैसे ही इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। और ये तूफान है 2.0 के दीवानों का, जिन्हें इस मूवी का इतनी बेसब्री से इंतजार था कि पहले ही दिन फिल्म हाउसफुल हो गई। फिल्म बड़े पर्दे पर कितना कमाल दिखा पाई, आइए आपको विस्तार से इस फिल्म का रिव्यू बताते हैं। फिल्म में रजनीकांत, डॉक्टर वसीकरण और सुपर रोबोट चिट्टी के रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं रोबोट के रोल में ही दिख रही हैं एमी जैक्सन, जिसका नाम है नीला। खलनायक के रूप में डेब्यू कर रहे हैं अक्षय कुमार, जो कि डॉक्टर रिचर्ड की भूमिका में है। फिल्म की कहानी मोबाइल फोन्स पर आधारित है। यह फिल्म तकनीकी रूप से काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें इसका VFX बेहद कमाल का है, साथ ही विजुअल का बेहतरीन ट्रीटमेंट किया गया है। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसमें पहली बार 3D कैमरा और 4D साउंड का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में फिल्म के ऑडियो विजुअल की कल्पना भी आपको रोमांच से भर देगी। इस फिल्म की सबसे खास बात है अक्षय कुमार का लुक, जिसे देखकर आपका हैरान हो जाना लगभग तय है। फिल्म में एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। फिल्म के स्क्रीन प्ले ने लोगों को निराश करने का काम किया है। AR रहमान की मौजूदगी के बावजूद अच्छे गाने नहीं दे पाई। कुल मिलाकर अगर मनोरंजन की बात करें तो यह फिल्म काफी एंटरटेनिंग है, जिसे देखकर आप शायद ही निराश होंगे। खबर अपडेट की रिपोर्ट।